सास ने मेरे मुंह पर लाकर अपना नया जोड़ा मारा था। कहने लगी, जल्दी से इसे इस्त्री कर दो, 5 बजने वाले हैं, ज्यादा वक्त मत लगाना। मैंने सास की शक्ल देखी तो इनके बालों में मेहंदी लगी हुई थी, नाखूनों पर मैचिंग नेल पॉलिश भी वो लगा चुकी थी और अब कपड़े मेरे मुंह पर मारकर वो कमरे से निकल गई थी। मेरा दिल चाहा कि उनके इस नए जोड़े को आग ही लगा दूं। बड़ी बी को इस उम्र में भी सजना सवरना याद रहता था। रोजाना ऐसे बनती ठनती थी जैसे कोई 16-17 साल की लड़की हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके सामने जबान चलाती या इनके खिलाफ जाती, इसलिए मजबूरन मैंने इसी तरह स्टैंड पर इनका जोड़ा रखा और इस्त्री करनी शुरू कर दी। जामनी गहरे रंग का ये जोड़ा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन का हो। मैंने दिल ही दिल में इन्हें कोसते हुए वो जोड़ा इस्त्री किया था और फिर मजबूरन इसे उठाकर सास के कमरे में पहुंची। मेरी सास शीशे के सामने खड़ी मेकअप करने में मसरूफ थी। इशारे से कहने लगी कि जोड़ा बेड पर रख दो। मैंने एहतियात से इस जोड़े को बेड पर फैलाया कि कहीं कोई भी सलवट ना पड़ जाए, वरना वो मुझे दोबारा इसी तरह ही करने के लिए पकड़ा देती। जोड़ा रखकर मैं जब वापसी के लिए पलटने लगी तो बेख्तियार ही मेरी नज़र सास की कलाई पर ठहर गई। सोने का एक ब्रेसलेट पूरी आबताब से जगमगा रहा था। इससे पहले तो मैंने ये ब्रेसलेट नहीं देखा था, शायद वो नया खरीद कर लाई थी। इनके पास पैसे की कौन सी कमी थी, मेरे शौहर का पैसा वो पानी की तरह से बहाती थी। मैं दिल ही दिल में जल्दी कुर्ती वापस अपने कमरे में आ गई थी। मोबाइल फोन साइड टेबल पर पड़ा था, मैंने इसे उठाया और अपने शौहर का नंबर मिलाने लगी, लेकिन हसबे मामूल शौहर का फ़ोन बंद था। वो सिर्फ इसी वक्त फ़ोन खोलते थे जब इन्हें खुद से कॉल करनी होती। अगर इन्हें बात ना करनी होती हो तो वो एक एक हफ्ता अपना मोबाइल ऑन नहीं करते थे। मेरे और इनके बीच इतनी दूरियाँ थीं कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता ही नहीं। मैंने थक कर बेड से सर टिका लिया। जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। अदरीस को गए 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में भी मैं अपने आप को भूल चुकी थी। आईना देखने को भी दिल नहीं चाहता था। अदरीस के बगैर जिंदगी बिल्कुल अधूरी थी। मेरा बस चलता तो इन्हें कभी परदेश जाने ना देती, लेकिन उनकी नौकरी वहीं पर थी, उनका जाना ज़रूरी था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले गए थे। और इनके जाने के बाद मैं पूरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। मेरे शौहर के माँ बाप मेरे साथ थे, लेकिन उनके होते हुए भी मैं खुद को तन्हा महसूस करती थी। मेरी सास की जवानी ही ख़त्म नहीं हो रही थी, जबकि ससुर नौकरी करते थे और शाम को वापस घर आते तो मेरी सास तब तक खूब बन संवर कर बैठ जाती और फिर वो दोनों अपने कमरे में बंद हो जाते या फिर कहीं घूमने निकल जाते। वैसे तो मेरे ससुराल में मुझ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन मैं अकेले कहाँ जाती, क्या करती। मेरा दिल ही नहीं चाहता था इदरीस के बगैर घर से बाहर निकलने को, जिंदगी गुजारने को। मैं खुद अपने खोल में सिमट गई थी, लेकिन जब सास को ससुर के साथ इतना खुश देखती तो मेरा दिल जलने लगता। मैं सोचती कि मेरे शौहर को परदेश भेजकर मेरी संगदिल सास खुद कितनी अय्याशियाँ कर रही है। वो चाहती तो अपने बेटे को रोक सकती थी, उनकी यही नौकरी करवा सकती थी, लेकिन मेरी सास को तो अय्याशी लगी हुई थी। फिर भला वो क्यों बेटे को कहती कि वो परदेश की नौकरी छोड़कर यहाँ आ जाए। अभी भी सास को तैयार होता देखकर मेरे दिल को आग लग रही थी। कुछ ही देर बाद घर का दरवाज़ा बजा तो मैं फौरन दरवाजे पर गई। मेरे ससुर के आने का वक्त था। मुझे देखते ही वो धीरे से मुस्कुराए, सलाम किया और फिर मेरे सर पर हाथ रखते हुए अंदर आ गए। वो बहुत ही शफीक थे। मैंने पूछा, अब्बा आपके लिए चाय बनाऊं, तो कहने लगे, नहीं, चाय तो मैं तुम्हारी सास के हाथ की ही पीऊँगा। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आ गई थी। ससुर की आवाज़ सुनकर सास कमरे से बाहर निकली तो मैं इन्हें देखकर शॉक्ड रह गई। आज तो वो बहुत ज़्यादा तैयार लग रही थी, ऐसा लगता था जैसे कोई ख़ास बात हो। सास ने मुस्कुरा कर ससुर को सलाम किया तो ससुर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो सास से कहने लगे, सजीला अपने हाथ की अच्छी सी चाय तो पिलाओ। मेरी सास शर्मा कर कहने लगी कि जी चाय पी लें, फिर कहीं घूमने चलेंगे, डिनर भी बाहर ही करेंगे। ससुर कहने लगे, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर मेरी तरफ देखकर पूछने लगे, निदा तुम भी साथ चलोगी। मैंने एक नज़र सास की तैयारी पर डाली और इनकार कर दिया कि मेरा मूड नहीं है, आप लोग चले जाएं। सास फौरन से बोली, हाँ सब चले जाएंगे, तो घर में कौन रहेगा, निदा को रहने दें आप और मैं ही सिर्फ चलते हैं।
बहुत दिन हो गए, हमने डिनर भी बाहर नहीं किया। सास बावर्ची खाने में ससुर के लिए चाय बनाने गई तो मैं वापस अपने कमरे में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर कोई बोझ पड़ गया हो। जो दिन मुझे और इदरीस को एक साथ गुजारने थे वो इनके माँ बाप गुजार रहे थे। मैं जब जब सास को तैयार और शर्माता देखती तो मेरे दिल पर ऐसा ही बोझ आ जाता था। कुछ देर बाद सास ने मुझे आवाज़ देकर कहा था कि वो और ससुर बाहर जा रहे हैं, मैं दरवाजे की अच्छी तरह से कुंडी लगा दूँ। ना चाहते हुए भी मैं कमरे से बाहर निकली और मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो दोनों गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। मैं वापस कमरे में पहुंची तो मेरा फ़ोन बज रहा था। इदरीस का फ़ोन था। मेरा दिल इतना बोझल था कि मैंने फ़ोन उठाते ही इदरीस से लड़ना शुरू कर दिया। वो परेशानी से पूछने लगे, क्या बात है निधा, तुमने अचानक ही झगड़ा क्यों शुरू कर दिया है? मैंने गुस्से में कहा कि आप सात समंदर पार बैठे रहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? यहाँ आपके माँ बाप का इश्क ही ख़त्म नहीं हो रहा, आपकी माँ को अपनी उम्र का ख्याल भी नहीं है, किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कैसा मेकअप करती हैं, आपको कुछ होश भी है? लेकिन आपको क्या पता, यहाँ मोहल्ले वाले हम पर हंसते हैं, पास पड़ोस वाले मजाक उड़ाते हैं कि बड़ी बी का दिमाग खराब हो गया है, ऊपर से इन्हें देखकर मेरी जान अलग जलती है। जिस तरह मुझे तैयार होना चाहिए इस तरह मेरी सास तैयार होती है। मेरे जो मुंह में आया मैं अपने शौहर से कहती चली गई, ये भी ना सोचा कि मेरी सास इनकी माँ है और मेरी ये बातें इन्हें नागवार ना गुजरेंगी। मेरी बातें सुनने के बाद इदरीस कहने लगा, मुझे लगता है निदा तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, मेरी माँ अगर सजती संवरती है तैयार होती है तो तुम्हें इस बात से क्या इतराज़ है? वो जहाँ भी जाती है मेरे बाप के साथ जाती है। अगर तुम्हारा घर में दिल नहीं लगता तो तुम भी इनके साथ चली जाया करो या फिर अपने मैके घूम आया करो, तुम्हें किसने रोका है? मैंने इदरीस से रोते हुए कहा कि बस आप वापस आ जाओ, आपकी मोहब्बत की कमी आपकी माँ अपनी अय्याशियों में, आपकी मेहनत की कमाई आपकी माँ अपनी अय्याशियों में उड़ा रही है। आप भी डिनर पर गई हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब पैसे आप ही भाई से भिजवाते हैं। मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ और वो आपके भेजे हुए पैसों से अय्याशियाँ कर रही हैं। मेरी बात सुनकर इदरीस गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, मैंने अम्मा को कोई पैसे नहीं भेजे, मैं जो भी पैसे भेजता हूँ तुम्हारे अकाउंट में भेजता हूँ और घर का खर्चा भी तुम ही देखती हो, लेकिन तुम्हारी शक करने की आदत नहीं जाती। अगर अम्मा ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाई है तो मुझे बताओ, क्या वो तुम्हें मैके जाने से रोकती हैं, क्या तुम्हें खर्चा करने से रोकती हैं या फिर किसी और तरह से तुम्हें तंग करती हैं? अगर ऐसी कोई बात है तो मैं खुद उनसे बात करूँगा, लेकिन अगर वो तुम्हें परेशान नहीं करती और अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं तो फिर तुम्हें ये हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझसे फजूल की शिकायतें लगाओ। मैंने तो ये सोचकर फ़ोन किया था कि काफ़ी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई, कुछ अच्छी बात करूंगा, मोहब्बत से तुम्हारा हालचाल पूछूंगा, लेकिन हमेशा की तरह फ़ोन उठाते ही तुमने मेरी माँ की शिकायतों का ढेर लगा दिया। अब मैं तुमसे क्या ही बात करूँ, ये कहकर इदरीस ने फ़ोन बंद कर दिया था। वो शदीद गुस्से में थे और इसी बात का एहसास मुझे उनका फ़ोन रखने के बाद हुआ था। मैंने दोबारा इनका फ़ोन मिलाया लेकिन अब नंबर बंद आ रहा था। मुझे अपनी अकल पर अफसोस होने लगा, मैं सर पकड़कर रोने लगी। मैंने अपने हाथों से खुद अपने घर को आग लगा ली थी, सात समंदर पार बैठे अपने शौहर को नाराज़ किया था। मुझे खुद ब खुद अपनी सास से और भी नफरत महसूस हुई, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हो रहा था, मेरी नज़रों में वही गुनाहगार थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करती हैं। मैंने इदरीस से मोहब्बत की शादी की थी, शायद वो इसी वजह से मुझे सजा दे रही थी। मैं और इदरीस एक ही हाई स्कूल तक पढ़े हुए थे, हम दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई और इदरीस ने अपनी माँ से कहकर मुझसे मंगनी कर दी। मुझे लगता था कि इनकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, बस बेटे की खातर उसने मुझे बहू बना लिया है। फिर मैं रुखसत होकर इदरीस के घर पहुंची तो इदरीस की मोहब्बतों ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। लेकिन पेट सिर्फ मोहब्बत से नहीं भरता, मेरी बहुत सी फरमाइशें और ख्वाहिशें थीं। मैं चाहती थी कि मेरे मुंह से निकली हर बात इदरीस फौरन पूरी कर दें, लेकिन उनकी नौकरी में ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर परदेश चले गए। मैं नहीं चाहती थी कि वो परदेश जाएँ, लेकिन इदरीस को लगता था कि हमारे मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है। शुरू शुरू में मुझे लगा कि कुछ महीनों की बात है, वो वहाँ पर अच्छा पैसा कमा लेंगे तो मैं इन्हें वापस बुला लूँगी, लेकिन
दिन महीनों में बदलते चले गए और इदरीस वापस ना लौटे। उनकी वहाँ अच्छी नौकरी सेट हो गई थी। वो मेरे अकाउंट में एक बड़ी रकम भेजते और कहते कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो खरीद लो। शुरू शुरू में तो मैंने अपनी पसंद की ढेरों चीज़ें खरीदी, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये सब कुछ बेमानी लगने लगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं जिसके लिए यूज़ करना चाहती थी वही मेरे पास नहीं था। दूसरी तरफ मेरी सास थी, जो एक से बढ़कर एक जोड़ा पहनती, तैयार होती और ससुर का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाती। उनको देखकर मुझे अपनी बेरंग जिंदगी पर अफसोस होता था, अपने आप पर गुस्सा भी आता था। मैं चाहती थी कि अब इदरीस को वापस बुला लूं, लेकिन अब वो वहाँ पूरी तरह सेट हो गए थे और उनका वापसी का फिलहाल कोई भी इरादा नहीं था। उनका कहना था कि बार बार इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती, और यूं धीरे धीरे हम दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गई। अब भी फ़ोन बंद करके मुझे एहसास हुआ था कि हमारा रिश्ता पूरी तरह से बेजान हो गया है। मैं तन्हाई की आग में बुरी तरह से जल रही थी। मेरे सास ससुर रात को 10 बजे के बाद घर वापस लौटे थे। इतने थके हुए थे कि आते ही अपने कमरे में चले गए थे और इनके कमरे का दरवाज़ा बंद मुझे गुस्सा दिला रहा था। अगली सुबह मैंने सास से कहा कि मुझे नौकर चाहिए, मैं अकेले काम नहीं कर सकती। पहले तो मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा, क्योंकि घर में इतने लोग थे ही नहीं। सास खुद भी मेरे साथ काम करती थी, इसीलिए वो कहने लगी कि नौकर की क्या ज़रूरत है, अगर घर में कोई मसला है तो मैं कर लूँगी। लेकिन मैं अपनी बात पर अटक गई, मुझे बस झगड़े का मौका चाहिए था ताकि मैं इदरीस को बता सकती कि इनकी माँ जालिम है और मुझ पर जुल्म करती है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नौकर ही चाहिए। कल को आप अपने बेटे से कहेंगी कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है। मेरी इस बात पर वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे ससुर भी मौजूद थे, कहने लगे ठीक है बहू, मैं नौकर का इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम फिक्र ना करो। हमेशा की तरह मेरे ससुर ने फिर झगड़े का मौका ख़त्म कर दिया था। अक्सर ऐसा ही होता था, बड़ी मुश्किल से मैं कभी कोई मौका तलाश करती तो मेरे सास ससुर दोनों में से कोई एक किसी न किसी तरह बात ख़त्म ही कर देता। अभी मुझे लगा था कि ये बात तूल पकड़ेगी, मेरी सास इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। लेकिन इसी शाम को मेरे ससुर एक 14 साल लड़के को लेकर हमारे घर आ गए। कहने लगे कि इसका नाम श्याम है और ये आज से हमारे साथ ही रहेगा। कहने को वो 14 साल का था, लेकिन अच्छा खासा लंबा चौड़ा और खूबसूरत लड़का था। मैं हैरत से उसे देखने लगी कि ये मेरे ससुर को इतनी जल्दी कहाँ से मिल गया। ससुर कहने लगे कि छोटा कमरा खोल दो, इसकी सफाई ये खुद करेगा और अब यहीं रहेगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई कि थोड़े बहुत काम जो हैं उनसे मेरी जान छूटे जाएगी, और अपना गुस्सा निकालने के लिए भी मुझे कोई मिल गया था। मैंने कमरा खोल कर उसे दिया और सख्ती से कहा कि अच्छी तरह सफाई करो और सुबह जल्दी उठ जाना, अब सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कुछ भी ना कहा और खामोशी से सफाई करने लगा। सास ससुर हमेशा की तरह अपने कमरे में थे और मैं अपने कमरे में आकर अपनी बहन को फ़ोन लगा चुकी थी। मैंने उसे नए नौकर का बताया तो वो भी हैरान हुई कि मुझे नौकर की क्या ज़रूरत थी। फिर कहने लगी, अब नौकर मिल गया है ना, तो अब सुकून से इसके साथ गुजारा करो, ज़बरदस्ती झगड़े करने की कोशिश ना करो। तुम्हारा शौहर परदेस में है, तुम्हारे यहाँ किए हुए झगड़ों से वो परेशान होगा। मैंने उसे कहा कि अगर तुम मेरी सास की लाल चोंच देखो ना, तुम्हें भी गुस्सा आने पर हर वक्त सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाकर रखती है। मेरी बहन कहने लगी, तुम भी लगा लिया करो, तुम्हें किसने रोका है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने फोन ही बंद कर दिया, बजाय इसके कि वो मेरी बातों में मेरा साथ देती, उल्टा मुझे ही समझाने की कोशिशें कर रही थी। अगली सुबह मैंने इस नौकर को तंग करना शुरू कर दिया। मैं सारा दिन इसके आगे पीछे घूमती, उसे डांटती रहती। सास ने यह सब कुछ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं चाहती थी कि वो कुछ बोले और फिर किसी तरह से झगड़ा शुरू हो। अब मुझे इदरीस के आगे ये साबित करना था कि मेरी सास बुरी है, जालिम है। लेकिन मेरी सास ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बल्कि वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मेरा और खून जल गया। मैं खामोशी से चारपाई पर बैठी तो वो 14 साल मुलाजिम शाम मेरे सामने आ गया। कहने लगा, सारा काम हो गया है बीबी जी, कुछ और करना है। मैंने गुस्से में कहा, अपनी शक्ल लेकर तुम भी कमरे में दफा हो जाओ। ये सुनकर वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, बीबी जी कोई परेशानी की बात है क्या, मैं कुछ मदद कर दूं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुस्से से बोली कि मुझे आग लगा दो,
मैं मर जाना चाहती हूँ। अकेले रहने से तो अच्छा है कि मैं छत से कूदकर अपनी जान ही दे दूँ। मेरी बात सुनकर वो फर्श से उठकर मेरे बराबर में बैठ गया। कहने लगा कि मैं हूँ ना आपके साथ, आप क्यों परेशान होती हैं। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा। आज उसकी नौकरी का पहला ही दिन था और वो मुझसे बेतकल्लुफ हो गया था। कहने लगा, बाजी मैं जानता हूँ आपके शौहर परदेश में रहते हैं और आप बहुत अकेली हो गई हैं। यही वजह है कि शायद आपको गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन आप खुद को अकेला महसूस क्यों करती हैं, मुझसे दोस्ती कर लें। वो गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए बात कर रहा था और मैं उसकी बात पर हैरान हो रही थी। वो इतनी जल्दी ना सिर्फ इतना बेतकल्लुफ हो गया था बल्कि मेरे ज़ाती मामले में खुलकर बोल रहा था। मैंने गुस्से से कहा, अपनी हद में रहो, नौकर हो नौकर की तरह से रहो। वो कहने लगा, अब नौकर क्यों समझ रही हैं आप, अगर अपना समझेंगी तो मैं आपके बहुत काम आऊँगा। उसकी बात पर मैं चौंक उठी, वाकई ही वो मेरे बहुत काम आ सकता था। मैंने आहिस्तगी से इससे कहा कि रात को मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। ये सुनकर उसने फौरन से सर हिला दिया, जैसे मेरी बात समझ गया हो। फिर मैं सारा वक्त अपने कमरे में बंद रही। सास ससुर रात को हसबे मामूल वॉक करने के लिए चले गए थे। इसी दौरान मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी सास से जान छुड़वाना चाहती हूँ और रोज़ाना रात को सोने से पहले दूध पीती है, क्या तुम इनके दूध में नींद की दवा मिला सकते हो। मैं चाहती हूँ कि वो सारा वक्त सोती रहें। मैंने अपनी सास और ससुर की मोहब्बत से जलकर ये फैसला किया था कि मैं सास को नींद की दवाइयाँ दूंगी, इन्हें सजने संवरने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैंने नींद की गोलियों की शीशी उसकी तरफ बढ़ाई जो मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी और उससे कहा कि बस रोज़ाना एक एक गोली दूध के गिलास में मिलाते रहना, दूध गर्म करके सास ससुर के कमरे में पहुँचाना मैंने उसी के ज़िम्मे लगाया था, ताकि अगर सास को कुछ होता भी है तो इल्ज़ाम मुझ पर ना आता और अगर नौकर मुझ पर उंगली उठाता तो मैं बहुत आसानी से कह सकती थी कि नौकर को लाने वाले मेरे ससुर थे, मैं तो इसे जानती भी नहीं थी। ये सब कुछ सोचकर मैंने नौकर को अपने जाल में फंसाया था। मेरे कहने पर उसने नींद की गोली दूध में डालकर सास को दे दी थी और अगले दिन हसबे मामूल वो सुबह उठकर बाहर नहीं आई थी बल्कि सोती रही थी। ससुर मुझे दफ्तर जाते जाते कहने लगे कि आज पता नहीं तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, वो अभी तक सो रही है, उठ जाए तो उसे कहना कि मुझे फ़ोन करे। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, अब उम्र हो गई है, कब तक आप लोग जवान रहेंगे। मैंने जानबूझकर उन्हें ये बात जताई थी। वो हाँ में सर हिलाते हुए निकल गए। दोपहर के बाद मेरी सास की आंख खुली, वो गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकली थी। मैंने खुद इन्हें हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया, पूछा, अम्मा क्या हुआ है, तो कहने लगी, पता नहीं चक्कर बहुत आ रहे हैं। मैंने जानबूझकर झूठी हमदर्दी दिखाई और कहा, अम्मा आप भी तो रोज़ाना अब्बा के साथ वॉक पर निकल जाती हैं, घूमती फिरती रहती हैं, बाहर के खाने खाती हैं, उम्र भी हो गई है, अपना ख्याल रखा करें। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहीं। फिर मैंने इन्हें वापस कमरे में लिटा दिया। ना इन्हें तैयार होने का मौका मिला, ना ससुर के साथ बाहर जाने का। सारा दिन वो निढाल सी रहीं। ससुर परेशान हुए, रात के वक्त कहने लगे कि मैं तुम्हारी अम्मा को अस्पताल ले जाता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें रोक दिया और कहा, अम्मा को ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है, उम्र का तकाजा है, अब इन्हें दवाओं के चक्करों में ना डालें। और फिर इस रात भी मैंने नौकर से दूध के गिलास में गोली डलवा दी। अगले दिन भी मेरी सास का कुछ ऐसा ही हाल रहा। एक हफ्ते तक वो पूरी तरह से निढाल हो गई थी, बिस्तर से लग गई, लेकिन मैंने ससुर को इन्हें अस्पताल लेकर जाने ना दिया। एक हफ्ते बाद अचानक ही मेरे शौहर वापस लौट आए। इदरीस को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। इदरीस ने आते ही अपनी अम्मा अब्बा का पूछा, फिर जब इनके कमरे में गए तो माँ की हालत देखकर दंग रह गए और फिर खुद वो ज़बरदस्ती अपनी माँ को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने थोड़ा बहुत चेकअप किया और टेस्ट के बाद ये हकीकत खोल दी गई कि इनकी माँ को कोई नींद की दवा दी जा रही है। बस फिर क्या था, मेरे ससुर ने सबसे पहले नौकर पर ही हाथ डाला और उसने ये बात उगल दी कि मैंने कहकर इससे सास को नींद की दवा दिलवाई थी। ये सुनना था कि इदरीस गुस्से और नफरत से मुझे देखते हुए कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर सकती थी, तुम्हें ऐसी क्या नफरत है मेरी माँ से, मेरी माँ ने तो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इदरीस की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मैं रोने लगी। मैंने इदरीस से कहा
कि आप तो मुझे छोड़कर परदेश चले गए। मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा थी, जबकि आपके माँ बाप का इश्क ही खत्म नहीं हो रहा था। मैं इनसे जलने लगी थी, मुझे हसद होता था आपकी माँ को देखकर। इदरीस गुस्से में कहने लगे, मैं परदेस अपनी माँ के लिए नहीं तुम्हारे लिए गया था। तुम्हारी फरमाइशें इतनी बड़ी बड़ी थीं कि मैं इन्हें पूरा नहीं कर सकता था। जब तुम्हारी कोई फरमाइश मैं पूरी ना कर पाता तो तुम मुझसे रुठ जाती, मुंह बनाकर बैठ जाती, और इसीलिए मैं परदेस चला गया। लेकिन तुम्हें तब भी सुकून नहीं आया। मेरी माँ के तैयार होने से तुम्हें क्या मसला था? तुम्हारी नज़र में वो बूढ़ी होंगी, लेकिन मेरे बाप के लिए उनकी बीवी हैं, और एक शौहर की नज़र में उसकी बीवी जवान या बूढ़ी नहीं होती, उसकी मोहब्बत होती है। मेरे अब्बा मेरी अम्मा को तैयार देखकर खुश होते हैं। मेरी अम्मा ने सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों को अब्बा और मेरे लिए कुर्बान किया। अब्बा की कम तनख्वाह में भी उन्होंने गुजारा किया। आज अब्बा की अच्छी नौकरी है, कोई परेशानी नहीं। तो अगर अम्मा अपनी जवानी की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैं तो तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता था, लेकिन तुम दूसरी औरतों की तरह गुजारा नहीं कर सकती थी। तुम्हें अपनी हर ख्वाहिश को मुझसे मनवाना था और इसीलिए मैं चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था ये कि तुम मेरी माँ को मारने का सोचोगी। तुम वापस अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इदरीस ने मुझे घर से निकलने का कह दिया था, लेकिन मेरे ससुर दरमियान में आ गए, कहने लगे, बहू की गलती नहीं है, हमें ही सोचना चाहिए था कि एक उदास और परेशान है वो। हमें शायद इसके आगे प्यार मोहब्बत से नहीं रहना चाहिए था। तुम बहू को घर से ना निकालो, हम आइंदा से बहुत ख्याल रखेंगे। मेरी सास भी शर्मिंदा थी, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी दोबारा इस तरह तैयार नहीं होंगी, लेकिन तुम अपना दिल छोटा ना करो। मेरी सास मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, रवायती सासों की तरह से नहीं थी। उन्होंने मेरी बहुत सी गलतियों और बहुत से तल्ख रवैयों को भी नज़रअंदाज किया था, और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। वो मेरी खातर अपने शौहर से दूर रहने को भी तैयार हो गई थी। मैंने अपनी सास और ससुर दोनों से माफ़ी मांगी थी, इदरीस से भी माफ़ी मांगी थी। अपने बाप के कहने पर इदरीस ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि अब परदेस ना जाओ, मैं जैसे भी मुमकिन होगा उनके साथ गुजारा कर लूँगी। मेरी बात मानकर वो दोबारा परदेस नहीं गए थे। पहले भी इनकी यहाँ पर नौकरी अच्छी थी, लेकिन मेरी ही ख्वाहिशें ज़्यादा थीं। मैंने अपनी ख्वाहिशों को महदूद कर दिया, क्योंकि मैं जान गई थी कि दुनियावी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़कर अपनों की मोहब्बतें होती हैं। मेरी सास और ससुर दोनों ने मुझे इज्जत और मान दिया था, मैंने ही इनका मान तोड़ा था। मेरे ससुर मेरे लिए नौकर भी लेकर आए थे, लेकिन मैंने इसे उल्टा इनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। वो भी चंद पैसों की खातिर मेरी बात मान गया था, लेकिन अब मेरी आँखें खुल गई थी। मेरी सास ने सारी जवानी औलाद की खातर कुर्बान कर दी थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना तो हक बनता था कि वो सजती संवरती अपनी ख्वाहिशें पूरी करती। ना जाने क्यों हम बूढ़े लोगों को अच्छा सा तैयार देखकर इन पर हंसते हैं, इन्हें ना जाने क्या कुछ कहते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि इन औरतों ने अपनी जवानी में कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी। अब अगर बुढ़ापे में ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हैं तो फिर हमें इस बात पर एतराज़ क्यों होता है।